गर्मी अनुभव हो रही है तो क्या उन मृग कृष्णा को अपने आप जान करके उससे आपकी शीतलता दूर हो जाती है? नहीं होती, केवल वो देखने में मालूम पड़ेगा। उसके द्वारा हमारी शीतलता प्राप्त नहीं होगी, हमारी गर्मी शांति नहीं होगी। ठीक उसी गोलागतानी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बने राजू रंजन दुबे जी। खबर की हेडलाइन सुनी, मानव जीवन में गृहस्थ आश्रम से महत्वपूर्ण कौनो आश्रम नहीं है। जी और स्वामी के भाई कार्यक्रम खबर का बा विस्तार से जानी। खबर रोहतास विक्रमगंज से बा, भारत के महान मनीषी संत शिरोमणि श्री श्री खजरात त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के परम शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज बुधवार के स्थानीय शहर के धनगाई गांव के माई काली के भव्य मंदिर के लेके एजा परिसर में पहुँचनी। स्वामी जी के सानिध्य में स्थानीय ग्रामीण के द्वारा माई काली के पूजा अर्चन करके इनकर महा आरती कल गई। साथे साथ एकरा उपरांत स्वामी जी महाराज धनगाई अस्पताल मैदान में प्रवचन स्थल पर पहुँच के उपस्थित सब श्रद्धालु के कथा के रस पान करेंगे। साथे साथ उपस्थित श्रद्धालु के आशीर्वचन प्रदान कोनी। जी और स्वामी कथा के श्रवण करावत श्रद्धालु से कहनी कि मानव जीवन में गृहस्थ आश्रम से महत्वपूर्ण कौन आश्रम नहीं है। यह आश्रम गृहस्थ के धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ पर प्राप्त करावेला। गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवान के सानिध्य आसानी पूर्वक कैल जा सकता है। समाज में अधिक संख्या गृहस्थ के ही बा जौन गृहस्थ अपना के परमात्मा से जुड़ल चाहत रहन उ शास्त्र वर्जित आहार व्यवहार ना अपनावस। जौन गृहस्थ के घर में छह प्रकार के सुख नहीं है वो गृहस्थ कहलाए के अधिकार नहीं है। गृहस्थ आश्रम से भिन्न ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम के पालन कोई कठिन हो। ये बात लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी शहर के धनगाई अस्पताल मैदान में प्रवचन के दौरान कहनी। स्वामी जी कहने कि सब गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ मानल गया। गृहस्थ आश्रम में छह गो सुख आवश्यक बा। गृहस्थ आश्रम में सात्विक कर्म से धन के वृद्धि होके के चाही, रोग मुक्त जीवन होके के चाही, सुंदर स्त्री होके के चाही, खाली रूप रंग से ना बल्कि आचरण और वाणी से भी सुंदर होके के चाही, पुत्र आज्ञाकारी होके के चाही, अर्थ के उपार्जन वाला शिक्षा अध्ययन होके के चाही। स्वामी जी कहने कि गृहस्थ जीवन में रहत अगर सुख उपलब्ध नहीं है तो अपना के सच्चा गृहस्थ मत मानी। गृहस्थात्र आश्रम में पुत्र के चर्चा करत स्वामी जी कहनी कि अगर चार भाई बड़े एगो भाई के संतान बा अन्य तीन भाई भी पुत्र के अधिकारी हो जाते रहे तो पुत्र से अभिप्राय खाली तन से ना बल्कि भाई के पुत्र भी रहुए पुत्र हटुए। गृहस्थ आश्रम के कोनो निर्धारित वस्त्र बटुए कोनो तरह के मर्यादित वस्त्र धारण कर सकता लेकिन संत के आचरण और वस्त्र उनकर पहचान होला। स्वामी जी कहनी कि धर्म के दस गो लक्षण बा यानी धर्म क्षमा संशय संयम चोरी ना कैल स्वच्छता इंद्री के वश में कैल बुद्धि विद्या सत्य आक्रोश धर्म के लक्षण हटुए। स्वच्छता के चर्चा करत स्वामी जी कहनी कि स्वच्छता के तात्पर्य बाहरी या भीतरी स्वच्छता से बा। भगवान बार बार कहलन कि जेकर मन निर्मल रहेला ओकरा के ही हम स्वीकार करीला। सार्वजनिक स्थल पर मलमूत्र त्याग ना करे के चाही, गुरु और भगवान का स्मरण करत रहे के चाही। स्वामी जी कहनी कि मनुष्य के तीन तरह के यज्ञ प्रत्येक दिन करे के चाही, देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ। देव यज्ञ से अभिप्राय स्नान ध्यान क के भगवान के कीर्तन करे के चाही, वैदिक सदग्रंथ के स्वाध्याय आ मनन ऋषि यज्ञ आ पितृ यज्ञ से अभिप्राय अतिथि सेवा। सुनी वही संसार में रक्षित है, धर्म है क्या? जो धरने जोग है, जो पकड़ने जोग है उसको पकड़ना वो धरना ही धर्म है। बात सुन क्या चीज, जो धरने जोग है, जो पकड़ने जोग है उसको पकड़ना उसको धारना उसको मानना इसी का नाम धर्म है। जो नहीं धरने जोग है, नहीं पकड़ने जोग है, नहीं मानने जोग है, नहीं अनुकरणीय है, वो धर्माभास हो रहा हो उसको त्याग कर दीजिए। धर्माभास कोई अपने आप स्वीकार करता है? जेठ के चिलचिलाते धूप में कहीं आप जा रहे हैं और जेठ के अपने आप सूर्य के ताप के कारण प्रतीत होता है रास्ते में, कहीं अपने आप झरने हैं, कभी नदियां हैं, कहीं तरंगे हैं, कहीं जल के लहर है और आपको प्यास लगा है, गर्मी अनुभव हो रही है तो क्या उन मृग कृष्णा को अपने आप जान करके उससे आपकी शीतलता दूर हो जाती है? नहीं होती, केवल देखने में मालूम पड़ेगा। उसके द्वारा हमारी शीतलता प्राप्त नहीं होगी, हमारी गर्मी शांति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से बताया गया धर्म जो धारण करने योग है उसी का नाम क्या है? धर्म। आपके महाराज कौन सी चीज धारण करने योग है?
नीतिकारों ने कहा है धर्म के आठ खंभे बताए गए हैं, जैसे अभी अपने आप इस मंच पर मैं बैठा हूँ, इसके भी चार पिलर दिखाई पड़े, हो सकता और भी होगा, आगे ऊपर आप इसकी छत भी ढालेंगे। तो जैसे किसी छत के किसी मकान के खड़ा करने में, जिस छत की छाया में मकान की छाया में हम शीतलता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से धर्म रूपी छत के छाया में रह करके हम जो शीतलता को प्राप्त करना चाहेंगे वह अपने आप बताया गया है सुख। धर्म द्वारा होता क्या है? धर्मेण राज्यम भवन्ति, धर्मेण सुखम भवन्ति। धर्म के द्वारा हम राज को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा हम शांति को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा हम आनंद को प्राप्त करते हैं। जिस आचरण और जिस व्यवहार जिस कर्म के कारण हम संसारिक सुख को प्राप्त करें, विद्यानंद सुख को प्राप्त करें और ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करें, उसी का नाम धर्म है। धर्म का मतलब जिसको धारण करने से, आर श्री शिव का कथन है, प्राचीन काल में जब जब भी इंद्र अपने राज से च्युत हुए और तब तब उन्होंने धर्म को स्वीकार करके